जीते रहो। पिताजी, कैसा रहा भगवत कथा का पहला दिन? अच्छा रहा बेटा। खैर तुम ये बताओ, तुमने कान्हा जी को भोग लगा दिया था? जी पिताजी, लगा दिया था। लाओ बेटा थोड़ा प्रसाद, मुझे भी लाओ। पिताजी, प्रसाद कहाँ से लाऊं? सारा प्रसाद तो कान्हा जी खा गए। ठाकुर जी खा गए? अच्छा ठीक है। ठाकुर जी कैसे खा सकते हैं? शायद इसे भूख लगी होगी, कहीं मैं डांट ना दूं इसलिए मुझे बता नहीं रहा होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप ठाकुर जी भोग लगाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप ठाकुर जी भोग लगाओ। आप ठाकुर जी भोग लगाओ। बेटा रघु। राधे 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 बेटा। कान्हा जी को भोग लगा दिया था? जी पिताजी, भोग लगा दिया था। आज तो तुम्हारा कान्हा जी ने सारा भोजन चट नहीं किया होगा। आज भी कान्हा जी ने सारा प्रसाद खा लिया। चलो बेटा तुम जाओ। बेटा रघु, रघुनंदन। जी पिताजी। बेटा, मैंने आज कान्हा जी के लिए लड्डू का भोग तैयार कर दिया है, तुम कान्हा जी को याद से भोग लगा देना। और आज भागवत कथा का समापन है तो आने में थोड़ा विलंब होगा, तुम अपना और कान्हा जी का ध्यान रखना। जी पिताजी, जैसा आपने बोला मैं ठीक वैसा ही करूँगा। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि ये सारा प्रसाद जाता कहाँ है, ये कान्हा को भोग लगाता भी है या नहीं। बेटा रघुनंदन, बेटा रघुनंदन, आज कथा का समापन है तो मुझे आते आते संध्या हो जाएगी, अपना ध्यान रखना। आज पता करना ही पड़ेगा कि रघुनंदन प्रसाद का करता क्या है, जल्दी जाकर देखता हूं। आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। आओ ठाकुर जी। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, मेरे वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई प्रभु, आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। प्रभु, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आज मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरी वर्षों की तपस्या सफल हुई प्रभु। हे प्रभु, ठाकुर जी जिस अवस्था में थे, बाल रूप, हाथ में आधा लड्डू, उसी अवस्था में अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से कुंभन दास भगवान की इसी बाल स्वरूप की सेवा करने लगा, जिसे आज हम सब लोग लड्डू गोपाल जी के नाम से पुकारते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हाजिर होंगे एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।